बैक टू माई चैनल। मेरा नाम सुजाता है एंड आई एम एन डिजिटल मार्केटर। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि फॉरएवर में एक्चुअली काम क्या करना है। बहुत से लोग तो फॉरएवर ज्वाइन करना है, किसी को कॉल आ जाता है कि फॉरएवर कंपनी ऐसी है वैसी है करके, और वो ज्वाइन तो करवा लेते हैं बट उसके बाद उनको पता ही नहीं रहता एक्चुअली फॉरएवर में काम क्या करना होता है। बहुत से लोगों को लगता है कि एक जॉब है तो फिर इसमें हमने ज्वाइन कर लिया तो हमें मंथली सैलरी आती रहेंगे। इस टाइप का बहुत से मतलब मिथ फैला हुआ है मार्केट में कि फॉरएवर से रिलेटेड, लेकिन मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि एक्चुअली फॉरएवर में वर्क क्या करना होता है। तो अगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि फॉरएवर से रिलेटेड आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन रहती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको कुछ डाउट या क्वेरी रहती है तो फिर आप मुझे मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मेरे कोई ना कोई वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेटिव नॉलेज तो पक्का मिलेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यही पॉइंट है कि जब आप फॉरएवर में ज्वाइन करते हो या फिर अपनी आईडी क्रिएट कर लेते हो तो सबसे पहले तो आपको खुद को अपने आईडी से प्रोडक्ट परचेस करने होते हैं। जैसे फॉरएवर में मिनिमम 5000 की बिलिंग होती है तो आप फिर मिनिमम 5000 से या फिर 2cc का एक जो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल होता है तो उससे भी आप अपना प्रोडक्ट्स खरीद के पहले आपको खुद को यूज़ करना होता है। सबसे पहले तो मेन पॉइंट यही है कि आपको प्रोडक्ट यूज़ करना होता है, प्रोडक्ट अपने आईडी से ले गया अपने प्रोडक्ट यूज़ करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमें वो प्रोडक्ट यूज़ करना होता है और फिर उसका एक्सपीरियंस लेना होता है कि मतलब कौन से प्रोडक्ट किस का क्या बेनिफिट है, उसके क्या क्या यूजेस है, हमें ये पूरा नॉलेज लेना होता है प्रोडक्ट से रिलेटेड, और फिर हमें वो प्रोडक्ट यूज़ करके उसके क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिले हैं वो एक्सपीरियंस करना होता है, और फिर सेम वैसे फिर हमें आगे सामने के लोगों को हमें रिकमेंड करना होता है कि ये प्रोडक्ट इस बीमारी के लिए यूज़ होता है या फिर ये सप्लीमेंट है तो इससे ये बेनिफिट होता है। तो इस टाइप का हमें खुद एक्सपीरियंस लेके हमें फिर सामने वाले लोगों को उसका उसको उस प्रोडक्ट को रिकमेंड करना होता है। थर्ड पॉइंट ये बोल सकते हैं कि हमें जब हम प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं फिर रिकमेंड भी कर सकते हैं, और फिर उसको उसके बाद फिर हमें वो प्रोडक्ट को या फिर फॉरएवर का जो बिज़नेस प्लान होता है उसको हमें एडवर्टाइजमेंट करनी होती है। एडवर्टाइजमेंट इन द सेंस मतलब कि प्रमोशन करना होता है कि फॉरएवर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, बिज़नेस ज्वाइन करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, लोगों को कैसे ज्वाइन करना चाहिए, इसमें वर्क क्या करना चाहिए। इस टाइप से हमें फिर यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे व्हाट्सएप स्टोरीज पे लगा के वगैरह वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड, इस टाइप से हमें फॉरएवर से फॉरएवर का एडवर्टाइजमेंट या फिर प्रमोशन करना होता है ताकि हमें लोग हमें ज्वाइन करें, हमारे ऑनलाइन बिजनेस को ज्वाइन करें। तो इस टाइप का हमें एडवर्टाइजमेंट करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमें जो FLP का जो बिज़नेस है उसमें हम मिनिमम हमें 2 to 3 hours कंसिस्टेंटली डेली देने होते हैं, क्योंकि कैसे बहुत से लोग यहाँ पे पार्ट टाइम वर्क के लिए आते हैं, कोई जॉब के साथ साथ इसे पार्ट टाइम बिजनेस या फिर एक्स्ट्रा इनकम सोर्स के लिए भी ये बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। तो फिर अगर आप कितना भी बिजी हो या फिर आप जॉब भी करते हो तो उसके साथ साथ आपको मिनिमम 3 to 4 hours डेली देने होते हैं एज अ पार्ट टाइम के लिए, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंटली 3 to 4 hours डेली देंगे तभी आपको एक बिज़नेस ग्रो कर आपका बिज़नेस ग्रो होगा। ऐसा नहीं है कि इस मंथ में हमने 2 दिन वर्क कर लिया उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ हम वर्क करेंगे, तो इस टाइप से मतलब आपको थोड़ा सा मुश्किल जाएगा बिजनेस करने में। इसलिए मिनिमम हमें डेली कंसिस्टेंटली 2 to 3 hours हमें देना चाहिए, जैसे उसमें जो टीम में आप ज्वाइन होते हो उसके हिसाब से फिर उसका ट्रेनिंग सेशंस रहता है, या फिर प्रोडक्ट नॉलेज प्रोडक्ट से रिलेटेड आप उसमें कुछ पढ़ सकते हो या फिर ट्रेनिंग्स ले सकते हो जिस भी टीम में आपने ज्वाइन किया है। तो इस हिसाब से आपको 2 to 3 hours आपको मिनिमम देने होते हैं बिजनेस अपना ग्रो करने के लिए। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जिसमें आप FLP में किस तरीके से आप वर्क कर सकते हो, और अगर आप जानना चाहते हो कि हमारी टीम जो TLF टीम है तो वो 100% कैसे वर्क करती है तो फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है हमारा जो कि मास्टर क्लास होता है डेली 7 PM को, और उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएंगी, तो आप जाके चेक कर सकते हो, उसमें रजिस्टर करके आप वो वेबिनार दे सकते हो कि हम 100% हमारा ऑनलाइन बिजनेस कैसे करते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि फॉरएवर में एक्चुअली वर्क क्या करना होता है। यही कुछ बेसिक पॉइंट्स है, इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा वर्क नहीं करना होता है। तो यही जो 3 to 4 पॉइंट्स है तो फिर उसके हिसाब से आपको वर्क करना है।